अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चाइनीज़ मैक्रोनी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। दाढ़ा मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, अदरक है हमारे पास 1 टीस्पून, लहसुन है हमारे पास 1 टेबल स्पून, ऑयल है हमारे पास 1/2 कप। मैक्रोनी को मैंने जो है बॉईल कर लिया था, जिसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 चम्मच नमक और ऑयल। ऑयल डालने की वजह यह थी कि मैक्रोनी आपस में नहीं चिपकती। प्याज है हमारे पास 1 अदद। वेजिटेबल्स सारी मैंने काट ली थी एक ही शेप में, तो आलू लिए थे 3 अदद, बंद गोभी ली है 1 कप, गाजर ली है 3 अदद, शिमला मिर्च ली है 2 अदद, टमाटर लिए थे 2 अदद, चिली सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, सिरका लेंगे 2 टेबल स्पून, केचप लेंगे 2 टेबल स्पून। हमने ये प्री हीट किया हुआ है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। अब जाएगा 1 कप ऑयल सबसे पहले। इसी में जाएगी प्याज। हमने सारी वेजिटेबल्स को 1 मिनट तक रखना है। चाइनीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको वेजिटेबल इतनी पका के नहीं रखनी, क्योंकि वो चाइनीज़ नहीं रहता। चाइनीज़ में हर एक चीज़ नॉर्मल होती है, तो इसी तरह प्याज भी हम सोते करेंगे। प्याज हमारा हो गया 1 मिनट, हमने रखा है प्याज, फिर हमने सोते किए। इस पॉइंट पे डालेंगे सबसे पहले आलू। आलू थोड़े सख्त होते हैं इसलिए इनको पहले डालेंगे। बाकी वेजिटेबल को जब डालूंगी तो साथ साथ बताती रहूंगी आपको। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं अभी नहीं डाल रही। मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक टिप ज़रूर देती हूँ, तो इसमें भी मैं आपको दूंगी एक टिप। जो वेजिटेबल्स हम डालते हैं इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर ऐड करूंगी तो उससे ये होगा कि सारी वेजिटेबल्स का कलर फ्रेश रहेगा, वो वेजिटेबल्स के कलर को ख़राब नहीं होने देगा। आलू हमने 50% इसमें पकाने हैं। अभी हमारे आलू नहीं हुए, आलू हमारे गल चुके हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ, ये चेक करें। अब डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही जाएगा नमक। 1 मिनट भूनूंगी इसे खुशबू आने तक। एक मिनट हो गए, आप जाएगी इन वेजिटेबल्स में जो थोड़ी सख्त होती है वो है गाजर। तो अब डालूंगी मैं इसको 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए रखूंगी गाजर को, अपने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भून लूंगी। अब जाएंगे टमाटर। टमाटरों को रखूंगी फिर 1 मिनट के लिए। इसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च। टमाटर मैं इस वजह से इसमें डालती हूँ, टमाटर का जो पानी होता है ये मैक्रोनी के अंदर जब जाता है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है।
और बड़ा जूसी सा बनता है। आप टमाटरों को ज़रूर डालें, हमने पानी तो ऐड करना नहीं है, जो टमाटर का पानी होगा वही मैक्रोनी के अंदर ऐड होगा। अब मैं डालने लगी हूँ शिमला मिर्च, अब जाएगी शिमला मिर्च, इसी के साथ जाएंगे हमारे काली मिर्च और लाल मिर्च। आप देखें हर एक वेजिटेबल का कलर बिल्कुल फ्रेश है, आलू हो गए, शिमला मिर्च हो गई, यहाँ तक कि प्याज का कलर भी बीच में आपको नज़र आ रहा है। हमने जो चाइनीज़ होती है उसकी पहचान ये होती है कि आपकी वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश रहें। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपनी मैक्रोनी, मैक्रोनी डालते हैं, इसको करेंगे मिक्स। मैक्रोनी जब मैंने ऐड किया तो इसी के साथ मैं डालूंगी सारी सॉस सिरका, जैसा कि आपको पहले बताया था 2 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून केचप जाएगा, 2 टेबलस्पून। अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सारी वेजिटेबल्स की, अदरक लहसुन की। चाइनीज़ में आप वेजिटेबल्स सारी यूज़ करें, कलर बहुत अच्छे लगते हैं और चाइनीज़ का मतलब भी यही है। बन को भी मैं नहीं ऐड कर रही, उसका बिल्कुल क्रंच जो है ना लास्ट पे अच्छा लगता है खाते हुए। अगर मैंने अभी ऐड कर दी तो बिल्कुल बारीक काटी हुई है हमने, तो पता ही नहीं चलना कि हमने बन को भी ऐड की थी। अगर आपको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा लगे तो आप इस पॉइंट पे चेक करें, कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हर एक चीज़ परफेक्ट है, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब मैं डालूंगी इस पे बंद गोभी, मेरी वीडियो में आपको ये टिप है इस पे आप बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, ढक्कन रख के 2 मिनट के लिए रहेगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे और हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। 2 मिनट हो गए, अब हम इसे चेक करते हैं, चूल्हा हम अपना बंद कर देते हैं। अब देखें आप, ये बिल्कुल पहले से जो थी उससे नरम हो चुकी है, इसकी जो बात थी उसी ने इसको सेट कर दिया, हमें मिक्स करके इसके अंदर नहीं करनी। मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब डिश आउट करेंगे। सारी वेजिटेबल्स आपको इसमें अच्छी तरह नज़र आ रही होंगी, अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सर्व करें आप। मैक्रोनी जब आप लास्ट पे डालते हैं तो 2 मिनट के लिए रखें बस, मैक्रोनी को हमने बॉईल किया हुआ होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मसाले वगैरह हैं
उसके साथ मिक्स करें, बंद करते हैं। मैंने कैरेट को लंबाई में काटा था, इससे थोड़ा सा इस पे डाल के डेकोरेट करेंगे। इतना नहीं डालेंगे, इसके अपने वेजिटेबल्स बहुत हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा केचप से भी मैं कर लेती हूँ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।